तो गाइस देख रहे हैं सामने एक्सीडेंट हो चुका है, क्योंकि ये रोड पे चल रहा था तो सामने से डियर आया तो इनके टेम्पू के आगे लग गया था और ये टेम्पू सीधे साइड में चले गया जंगल। तो गाइस ये देखिए सामने टाइगर ने भी टाइगर की मार करी होगी, सामने तीन अंदर है ये सामने रोड पे आ चुका है देखिए। अरे यार ये मिस हो गया गाइस, मिस। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे नए एक और मोटो ब्लॉग में। तो गाइस कैसे हैं आप सब, आई होप सब आप अच्छे होंगे और भाई के ब्लॉग देख रहे होंगे। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं आज मैं कर रहा हूँ ब्लॉग की शुरुआत सीधे बफर जोन से। तो कल जैसे मैंने आपको बताया था सीतावनी गेट के बारे में, तो मैं आपको पूरा सीतावनी तक नहीं ले जा पाया था, तो आज मैं सोच रहा हूँ मैं आपको पूरा सीतावनी जो वहाँ एक मंदिर है वो दिखाऊँ और सीतावनी का जो एंट्री पॉइंट है वो दिखाऊँ यहाँ से। तो अभी चलते हैं सीधे एंट्री पॉइंट में। फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूँ टेढ़ा गेट एंट्री गेट सीतावनी जोन का, और ये सामने पूरी कैंटीन वगैरह, पीछे रिवर है, पूरी कोसी नदी है। तो ये जो रोड मेटल रोड जा रही है ये सीधे आगे विलेजेस को जा रही है, जैसे पाटकोट वगैरह है, आगे बहुत सारे गाँव है। अभी हम आगे चलते हैं यहाँ से। जो सीतावनी की सफारी है वो पीछे से शुरू हो जाती है, जहाँ से गेट आ गया था एंट्री गेट है, इस रोड से होते हुए जाती है। कम से कम 42 का सर्कल लगता है सीतावनी रेंज में, और ये जो मेटल रोड है इससे भी सफारी शुरू हो जाती है। तो गाइस अभी मैं निकल चुका हूँ एंट्री जोन से 3-4 किलोमीटर आगे, ये पूरी मेटल रोड है, ये जहाँ से सीतावनी गेट शुरू होगा जहाँ से हमारी जो ऑफ रोड आ जाएगा। अब ये मेटल रोड है, ऑफ रोड यहाँ से कम 7-8 किलोमीटर अभी दूर है। तो गाइस अभी आ चुका हूँ मैं एंट्री गेट से 5-6 किलोमीटर आगे, अभी आगे पड़ेगा आपको ग्रासलैंड। मैं आपको ग्रासलैंड वाला एरिया दिखाऊंगा जहाँ पर स्पॉटेड डियर, सांबर डियर, बार्किंग डियर वगैरह देखने को मिल सके हैं। बट अभी मुश्किल लग रहा है क्योंकि ये जो रोड है काफी क्राउड वाला है, क्योंकि इस रोड से गाड़ियों का आना जाना काफी लगा रहता है, क्योंकि आगे जाके बहुत सारे विलेजेस है जैसे मैं आपको हर बार बताता हूँ हर वीडियो में, और रिजॉर्ट वगैरह है तो इस रोड पे गाड़ियों का मूवमेंट काफी रहता है। तो अभी अगर देखते हैं आगे स्पॉटेड डियर, सांबर डियर, बार्किंग डियर हो सकता है, तो हमें एलिफेंट वगैरह भी मिल सकते हैं, मगर अभी कुछ नहीं पता, नेचर का देखो कुछ नहीं पता। तो फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूं ग्रासलैंड, ये सामने ग्रासलैंड वाला एरिया है पूरा। तो गाइस जैसे सामने आप देख रहे हैं ये दो लोग यहाँ पे बफर जोन में रुके हैं, ये गलत है रुकना, बट चलो अपनी अपनी लाइफ है सबकी, हम इनको कुछ नहीं बोलेंगे और हम यहाँ से बढ़ेंगे सीधे आगे, क्योंकि ये अपनी लाइफ के पूरे एंजॉय कर रहे हैं या बफर जोन में आके हो भी, क्योंकि टाइगर का इतना खतरा है इनको ये नहीं पता कि यहाँ टाइगर का खतरा है, ये अपनी लाइफ को बिल्कुल एंजॉय करके यहाँ पे नेचर के साथ आराम से बैठे। यो देखिए सामने सामर डियर है, ये पूरी फैमिली है इनकी, ये सामर डियर जो है फैमिली ईयर है। ये सामने मेल है, इसके एंटीलर देखिए गिर गए नीचे, ये इसकी टेल खड़ी है, तो ये कोई खतरा महसूस कर रहा है अभी, हमसे ही डर लग रहा है, कोई यहाँ टाइगर का भी कोई इतना वो नहीं है, अगर टाइगर का होता तो ये कॉल करते, इनकी कॉल वाली आवाज होती है डरावनी होती। सामने देखिए गाड़ी बैक करके दिखाता हूँ मैं आपको, सामने तीन अंदर है और ये सामने रोड पे आ चुका है देखिए। अरे यार ये मिस हो गया गाइस, मुझ अलार्म कॉल होती है तो साइड में लगा के वेट करते हैं थोड़ा सा, अगर इनको अगर टाइगर का खतरा होगा तो ये कॉल करेंगी, देखते हैं वेट करते हैं थोड़ा, डर तो महसूस कर रहे हैं किसी चीज़ का। एक एक सांबर डियर इधर को गई है और तीन इधर हैं, ये पूरी फैमिली है, ये फैमिली में ही रहते हैं गाइस। दो मिनट शांत होकर सुनेंगे, गाइस जैसे तो आप देख रहे हैं सामने सांबर डियर अभी वो पेड़ के पीछे छिप गई है, जंगल के अंदर को चली गई, थोड़ा अभी कैमरे में तो नहीं दिख रही होंगी बट मैं पूरी कोशिश करूंगा ये पास आ जाए, सामने आ जाए अगर देखिए, क्योंकि मैं जंगल के अंदर नहीं जा सकता बाइक से उतर के। तो जैसे मैंने कहा था कि हमें ग्रासलैंड से ऊपर या ग्रासलैंड पे सांबर डियर, स्पॉटेड डियर, बार्किंग डियर दिखेंगे, तो हमें अभी सांबर डियर दिख चुकी हैं, अब हम इनको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे और हम यहाँ से आगे की ओर बढ़ेंगे। तो गाइस जैसे देख रहे हैं आप हम प्लेन से अब हिल्स में आ चुके हैं, क्योंकि हल्का सा इसमें हिल्स का एरिया भी पड़ता है। तो गाइस सामने देख रहे हैं अभी साल के पेड़ है, साल की आपने कहावत सुनी होगी, 100 साल पड़ा, 100 साल खड़ा, 100 साल सड़ा, ये वही साल है। तो गाइस अभी मुझे यहाँ से पहले सीतावनी वाले जोन में जल्दी से जाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अभी मैं बाइक से वहाँ पे मुझे अलाउड है, क्योंकि मैं लोकल का बंदा हूँ तो मुझे बाइक से जाना वहाँ अलाउड है, क्योंकि हम मंदिर के उससे जा सकते हैं वहाँ पे, और 2 बजे से पहले हमें वहाँ से एग्जिट होना पड़ेगा, क्योंकि 2 बजे के बाद सफारी शुरू हो जाती है। तो अभी हम जहाँ पे सीतावनी गेट पे जाएंगे फिर हम वहाँ से परमिशन लेंगे कि हमें अंदर जाना है मंदिर पे, तो हमें वो परमिशन देंगे उसके बाद हम अंदर जाएंगे। जैसे आप सामने देख रहे हैं यहाँ से व्यू पॉइंट है, ये कॉर्बेट की जिप्सियाँ आती हैं सफारी करने सीतावनी वाली रोड पे, एक बार यहाँ पे जरूर रुकती हैं, क्योंकि इस वाले एरिया पे कुछ भी दिख सकता है, क्योंकि जैसे यहाँ पानी है तो अगर टाइगर पानी पीने आएगा तो वो दिख सकता है, एलिफेंट वगैरह, स्पॉटेड डियर, सांबर डियर, जितने भी एनिमल्स है वो दिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो गाड़ी आती है सीतावनी जोन की इस मेटल रोड से, तो यहाँ पे जरूर रुकती है, फिर उसके बाद वो यहाँ से 5 मिनट ब्रेक लेने के बाद आगे बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी दिख सकता है, किसी चीज की भी साइडिंग हो सकती है। तो अभी हमें फिलहाल तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, तो अभी बढ़ते हैं हम यहाँ से आगे। तो गाइस मैं पहुंचने वाला हूँ सीतावनी गेट पे, इसके बाद ये मेटल रोड यहाँ से पूरी खत्म हो जाएगी और हमारे आ जाएगा ऑफ ट्रैक, ऑफ ट्रैक अभी देखते हैं, यहाँ से पहले परमिशन लेते हैं अंदर जाने की, हमें तो मिल जाएगी लोकल के हैं। सामने चले गई पाटकोट और आगे गाँव विलेजेस को, और ये रहा सीतावनी को अंदर। तो फिलहाल यहाँ पे ताला लग गया, पहले मुझे बात करके आनी पड़ेगी अंदर, अगर देखता हूँ बात बनती है तो
चलो फिर भी मैं एक बार बात करके आऊंगा। तो फाइनली गाइस मैंने ले लिया परमिशन यहाँ पे पूरी, यहाँ से सीतावनी जोन के लिए अंदर के लिए परमिशन ले ली है। ये सीतावनी का पूरा ऑफ रोड है, यहाँ से आगे सामने देख रहे होंगे आप, और इधर को जो है मेटल रोड है, पाटकोट को जाता है, और ये जिस रोड से हम आए हैं, और ये रही मेरी बाइक। तो गाइस मैं निकल चुका हूँ ऑफ रोड पे, अब ये पूरा ऑफ रोड है देखिए, और मेरी बाइक भी ऑफ रोड पे चल रही है पूरी, और सामने पूरा फॉरेस्ट है आप दोनों साइड। यहाँ से जो सीतावनी की सफारी होती है ये ऑफ रोड है, यहाँ से पूरा पहले मेटल रोड से आए, और आप लोग जो सीतावनी की सफारी करते हो उसके बाद पहले मेटल रोड के बाद फिर आप ऑफ रोड पे चले जाते हो। जो ये ऑफ रोड है कम से कम यहाँ से 15-16 किलोमीटर अंदर तक है पूरा ऑफ रोड, और बाकी 20-25 किलोमीटर मेटल रोड है। तो अभी हम ऑफ रोड पे निकल रहे हैं, अगर कोई जानवर एनिमल्स वगैरह दिखते हैं तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। तो अभी हम यहाँ से निकल रहा हूँ आगे की ओर के लिए, जो आगे सीतावनी मंदिर है मुझे वहां जाना है। जैसे आप देख रहे हैं ये दोनों तरफ साल के पेड़ है, और ये सामने पूरा ऑफ ट्रैक है, और अभी आपको दिखाऊंगा मैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट बोलते हैं जो सूरज की किरणें आती है पेड़ों के बीच से। तो सामने से स्पॉटेड डियर आ रहा है मेरी तरफ को भागते हुए, देखिए सामने गाइस क्रॉस करा स्पॉटेड डियर। अभी मैं आपको अगर दिखाऊंगा पास से दिखे तो, जैसे कि मैं ऑफ ट्रैक पे चल रहा हूँ सीतावनी वाले पे, सामने से मेरे क्रॉस करा है अभी स्पॉटेड डियर। तो गाइस मैं गाड़ी स्लो करूंगा और आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि स्पॉटेड डियर दिख जाए। ये सामने अंदर को चले गया है मेरे राइट हैंड को, इधर लेफ्ट से आया था और राइट को चले गया है। तो देखता हूं अगर अभी दिखता है तो इधर, क्योंकि मेरे दूर से ही उसने गाड़ी की आवाज सुनी तो क्रॉस कर गया रोड। तो गाइस ये देखिए सामने मिट्टी का पहाड़, टर्माइट हिल, पूरा जो पेड़ यहाँ पे कई सालों से होगा पहले, उसके जो जड़ रह गई होगी नीचे की, जो काटा होगा पेड़ या टूट गया होगा, तो इसको दीमक ने अपना घर बना लिया है। ये जो दीमक इसको बना रहे हैं जो फॉरेस्ट की जो पहली सीढ़ी है, क्योंकि इससे हमारा नेचर काफी अच्छा हो रहा है। दीमक के पहाड़ टर्माइट हिल्स, क्योंकि ये फूड चेन में नेचर का काफी अच्छा काम करती है। तो गाइस सामने देखिए साल फॉरेस्ट है पूरा, और बीच में ऑफ ट्रैक है। ये देखिए हाथी का यहाँ पे गोबर देख रहे हैं आप सामने, पूरा फ्रेश है एकदम। इसको गोबर नहीं बोलते, इसको डंक बोलते हैं, डंक, ठीक है, तो नॉर्मली भाषा में गोबर। तो ये हाथी का डंक है, साल फॉरेस्ट है। देख रहे हैं सामने का व्यू कितना प्यारा आ रहा है। ये सीतावनी जोन की यही खासियत है, देखो आप कॉर्बेट में आ रहे हो तो आप सफारी कर रहे हो तो नेचर को एंजॉय करो। जैसे मैंने आपको पीछे वाले ब्लॉग में बताया था कि आप एनिमल्स वगैरह मत ढूंढो, आप अपने माइंड में ये मत बताओ कि मुझे टाइगर देखना है, देखो नेचर को एंजॉय करो। सामने देखो कितना प्यारा व्यू आ रहा है, और ये टर्माइट हिल्स भी सामने देखिए कितनी प्यारी है, नेचर को कितना ब्यूटीफुल बना रही है। तो गाइस सामने देख रहे हैं आप, ये पूरा जीप का ट्रैक है, और यहाँ से मैं जाऊँगा शॉर्ट, यहाँ से कुछ रास्ता बना है बाइक्स का तो मैं इससे जाऊँगा। तो गाइस इसको तो मैं आराम से क्रॉस कर लूँगा, वैसे इतना पानी नहीं है। ओहो ये वाला पानी कैसे क्रॉस होगा गाइस, अब देखते हैं, कोशिश करता हूँ पूरी कि आराम से क्रॉस हो जाए, वैसे हो जाएगा आराम से क्रॉस। हो गया क्रॉस। तो गाइस जैसे आप देख रहे हैं ये ट्रैक्टर यहाँ पे खड़ा है, ये लोकल विलेजेस का है, क्योंकि यहाँ पे कोई फॉरेस्ट का काम चल रहा है। ये बन रहा है यहाँ पे कुछ, मुझे लग रहा है यहाँ पे बन रहा है ये पाउंड बन रहा है कोई एलिफेंट्स वगैरह जानवरों के लिए पानी पीने के लिए। थोड़ा इनसे जानकारी ले लेते क्या बनना है। भैया पाउंड बनना है क्या, पाउंड बनना है? हाँ पाउंड बनना है ना पूरा, इसमें जो एलिफेंट, अच्छा 7-8 बनने पूरे, अच्छा जिसमें जैसे एलिफेंट पानी पिएगा गर्मियों में, जैसे और जानवर भी पी लेंगे साथ पे। हाँ तो कितने बनने हैं? 8-9 है। अच्छा अच्छा भाई, जैसे जो गर्मी का सीज़न आने वाला है उससे क्या होता है पानी की जो दिक्कत होती है काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो इसमें क्या होगा पानी स्टॉक होगा, और जैसे एनिमल्स वगैरह होंगे तो वो पानी पीने इस वाले एरिया पे आएंगे, गवर्नमेंट उनके लिए सुविधा कर रही है एनिमल्स के लिए। तो जैसे देख रहे सामने आप पूरा बन रहा है, ये 1 पाउंड 2 पाउंड 3 पाउंड ऐसे बहुत सारे एरिया में पाउंड बन रहे हैं। तो अभी गवर्नमेंट यहाँ पे काम करवा रही है विभाग, तो अभी यहाँ से मंदिर रह गया है सिर्फ 200 मीटर दूर, तो अभी सीधे आपको मंदिर पे मिलते हैं। बस पहुँच चुके हम सीतावनी मंदिर, ये यहाँ पर सीतावनी मंदिर आ चुका है। जो कॉर्बेट की जीप आती है वो पूरी यहाँ पे रुकती है पहले 10-15 मिनट, और जिसको मंदिर जाना होता है वो मंदिर जाता है, और उसके बाद यहाँ से वो एग्जिट होते हैं आगे के लिए पौलगढ़ गेट के लिए। तो अभी हम सीतावनी मंदिर आ चुके हैं, अब हम यहाँ से मंदिर के अंदर जाएंगे पहले, फिर दर्शन करने के बाद हम यहाँ से फिर से एग्जिट हम इसी रोड से होंगे जहाँ से हमने एंट्री ली थी। हम इधर से एग्जिट नहीं ले सकते क्योंकि हमें अलाउड नहीं है, पहले हम सीतावनी मंदिर जाते हैं फटाफट से। पहुँच चुका हूँ मैं मंदिर, ये सामने देखिए मंदिर है पूरा सीतावनी मंदिर। पहले मैं जाती हूँ घंटी, तो अभी जा रहा हूँ मैं मंदिर, पहले यहाँ करते हैं पूजा। फाइनली गाइस मैं आ चुका हूँ सीतावनी मंदिर से, और ये सामने पूरा सीतावनी मंदिर रहा जैसे, तो अब मैं यहाँ से निकलता हूँ, एग्जिट होता हूँ फिर से यहाँ से। तो ये रहा सीतावनी गेट, यहाँ से आ गई है फिर से मेटल रोड, और ये सामने से जो पाटकोट रोड आ रही है पूरी, इधर ये जा रहे हैं रामनगर की ओर, हम भी जाएंगे यहाँ से लेफ्ट को। अब हम मेटल रोड में आ चुके हैं,
तो गाइस मैं आपको दिखा रहा हूँ जो टाइगर ने एक पेड़ पे अपने स्क्रेचेस लगाए हैं, नाखून वगैरह मारे हैं, अपनी टाइटरी मार्क करी है। सामने टाइगर ने अपनी टाइटरी मार्क करी होगी यहाँ पे, और सामने इसने फिंगर अपने जो नाखून है इस पेड़ पे ऐसे स्क्रेचेस लगाए हैं। इससे गाइस तीन काम होते हैं, तो टाइगर अपनी टाइटरी मार्क करता है, दूसरे उसके जो नाखून होते हैं साफ होते हैं, और तीसरा वो दिखाता है कि मैं कितना ऊंचा हूँ, कितना बड़ा मैं जानवर हूँ। तो देखिए काफी ऊपर तक लगाए उसने अपने नाखून वगैरह। तो जैसे आप देख रहे हैं सामने पेड़ है, तो इस पे उसने टाइगर ने पूरे स्क्रेचेस मारे हैं। तो अभी हम यहाँ से चलते आगे की ओर, आप देख रहे हैं बफर जोन की औरतें हैं जो घास लेने आई हैं यहाँ पे। तो गाइस जैसा आपने देखा होगा जो टाइगर का अटैक होता है लेडीजों पे बफर जोन में और या फिर जंगल के अंदर, तो ये ऐसे इसलिए अटैक होते हैं कि ये जो लेडीजें होती हैं टाइगर के काफी क्लोज चले जाती हैं, टाइगर के टाइटरी वाले एरिया पे चले जाती हैं, जिससे टाइगर अपने बचाव में इन पे हमला कर लेता है और फिर ये उनका शिकार या फिर इनको घायल कर लेता है। तो ये केसेस आते रहते हैं। तो फाइनली गाइस मैं हो चुका हूँ एग्जिट एंट्री पॉइंट से, मैं एग्जिट हो गया। तो गाइस देख रहे हैं यहाँ पे एक टेम्पो का एक्सीडेंट हो गया है, क्योंकि ये रोड पे चल रहा था तो सामने से डियर आया तो इनके टेम्पो के आगे लग गया था, और ये टेम्पो सीधे साइड में चले गया जंगल के। जो रोड पे गाड़ियां आराम से चलाया करो, क्योंकि ओवर स्पीड रहती है, फिर जानवर क्रॉस करता है तो इसमें ठुकने के चांसेस रहते हैं, तो अपनी सेफ्टी पहले है। तो रोड पहले जानवर क्रॉस करेगा, उसके बाद आप क्रॉस करोगे। और जो बफर जोन वाले एरिया होते हैं इन पे गाड़ियां आराम से चलाया करे, स्पीड में मत चलाओ गाड़ी। तो फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूं घर, और ब्लॉग को करते हैं एंड। तो गाइस ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। We'll be right back.